लोकतंत्र का महापर्व का बिल्कुल बन चुका है और आज आप सबको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम सबों ने जो पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें जो हमारे हिस्से के जो सीट है उस सीट का उम्मीदवारी उन्होंने तय कर दिया है, जिसका घोषणा हम सबों के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी उस सीट का घोषणा करेंगे। हम उनको माइक देते हैं, उसके बाद बारी बारी से और भी हमारे नेता को कर सकते हैं। आगामी जो लगा आम चुनाव होने जाएगा और इसमें पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में और सभी पार्टियों के विचार निर्माण सूची तय किया है। उसमें एक नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती नवी आनंद उम्मीदवार, सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार, श्री राम सिंह माता जी पार्टी के प्रत्याशी, श्री जिनेश्वर कामत जी उम्मीदवार, कटिहार से गुलाब चंद कोटवाली जी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्णिया से श्री संतोष कुमार जी उम्मीदवार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से श्री प्रिया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी, भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़े, बांका से श्री गिरिधारी यादव उम्मीदवार, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी उम्मीदवार, नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार, जहानाबाद से श्री चंद्रेश्वर प्रसाद उम्मीदवार। पार्टी में काफी विचार विमर्श के बाद इन प्रत्याशियों को सिलेक्ट किया है। हम गठबंधन में हैं, इन 16 प्रत्याशी मुजाहिद आलम जो उम्मीदवार होंगे, हम अपने प्रत्याशियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथी को आगे, लेकिन गठबंधन गठबंधन के भी जो प्रत्याशी उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, ये सभी लोग जी जान से लगे और हम माननीय और आप सभी प्रत्याशी आज
आदरणीय मंत्री जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जो शोभा सीटें राष्ट्रीय जननागरिक गठबंधन के द्वारा मिला था वो 16 सीटों के लिए सर्विस जारी है। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं है, पूरी एकजुटता, पूरी सहमति। और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ टुटव्वल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई नीचे लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे का है तो चुनाव के बाद क्या? इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 40 सीट जीते थे, इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन करता हूं। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की जनता का व्यापक और इस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे और हर हाल में देखिए ये हम लोगों को विश्वास है।